घुसपैठ भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। 2017 में मैंने पीएल फाइल किया था तो कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अब तो 2023 है तो स्वाभाविक सी बात है घुसपैठियों की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी होगी। रोहिंग्या भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, निकाले जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं आज भी, और जो यहाँ है वो बच्चे भी पैदा बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। पर्शिया एक देश था, वहां 5,000 घुसपैठिए गए थे, 100 साल में पर्शिया ईरान बन गया। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा फ्रांस में कैसे पूरे फ्रांस में आग लगाया था। किसने लगाया था? वहां घुसपैठियों ने। पूरा यूरोप जल रहा है घुसपैठियों के कारण। अमेरिका में कई बार हंगामा हो जाता है, घुसपैठी हंगामा कर रहे हैं, और भारत में तो 5 करोड़ से ज्यादा आ चुके हैं। आप खुद कल्पना करिए कि जिस दिन ये तलवार लेके निकलेंगे इनको कौन सी पुलिस रोक पाएगी। घुसपैठ का समाधान है, बिना एनआरसी लागू किए ही घुसपैठ ये भाग जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। कहते नहीं सठे साठ्यम समाचरित, एक कानून बना दिया जाए कि जो लोग भारत में अवैध रूप से रहते हैं ये 3 महीने के अंदर भारत छोड़ के भाग जाएं, नहीं तो हम इनको आजीवन कारावास की सजा देंगे, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और पूरे के पूरे परिवार को जेल में सड़ा देंगे, 50 साल के लिए सड़ाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये घुसपैठिए खुद ब खुद, जो चाहे वो जम्मू में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे वो आपके चंडीगढ़ में है, चाहे वो मुंबई में है, अहमदाबाद में, जहां पे भी हैं, ये अपने पैसे से भागेंगे। इनको पुलिस खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनआरसी नहीं लागू करना पड़ेगा, 100% एक कानून सरकार बना दे कि जो लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं 3 महीने के अंदर भाग जाएं, और अगर 3 महीने के बाद यहां पाए गए 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी और 50 साल के लिए जेल में डालेंगे। दूसरा, ये घुसपैठिए ऐसे नहीं आते हैं, घुसपैठ का मूल कारण ही भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है। ये घुसपैठिए बॉर्डर पे घूस दे के आते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के पासपोर्ट बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, सारा का सारा। फिर बाद में जनधन खाता खोल लेते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं, और सारी सरकारी योजनाओं का फायदा लेते हैं। इसलिए मैं देश के टैक्स पेयर से कह रहा हूं, आप जो टैक्स देते हो इन घुसपैठियों के लिए देते हैं या भारतीयों के लिए देते हैं? अगर आप ये जो पैसा देते हो, टैक्स देते हो, घुसपैठियों के लिए देते हो तो बहुत बढ़िया, चुपचाप बैठे रहो, आराम से अपनी अपनी पार्टियों की गुलामी करते रहो। लेकिन अगर आप ये पैसा घुसपैठियों के लिए नहीं देते हो तो दल हित से ऊपर उठो, दल गुलामी छोड़ो, अपने अपने सांसद विधायक से पूछो कि घुसपैठियों को आजीवन कारावास देने का कानून कब बनेगा। और घुसपैठियों को नहीं, जो घुसपैठ का मूल कारण ही भ्रष्टाचार, 2,000 रुपये में इनका आधार बनाने वाले, 2,000 रुपये में राशन कार्ड बनाने वाले, 3,000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले, 2,000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले, 2,000 में वोटर आईडी बनाने वाले कौन है? भारत के ही लोग हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, जब से आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने कानून नहीं बनेगा, तब तक इनके डॉक्यूमेंट बनते रहेंगे। जब तक भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया जाएगा। वास्तव में हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है घुसपैठ, और घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ये जो भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता? ये जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना हमारे पास, हम क्यों नहीं अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर रहे हैं? हम क्यों नहीं भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए क्यों नहीं लगाते? एक साल तक जमानत ही नहीं होगी। घुसपैठियों पे एनएसए क्यों नहीं लगाते? एक साल तक जमानत ही नहीं होगी, सड़े रहेंगे एक साल तक। और जो इनके मददगार हैं, जो इनका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे वो आधार बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो बनाते हैं, हम उनके खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगा रहे? देश के गद्दारों को भारत में बसाने का काम जो कर रहा है वो भी तो गद्दार हुआ ना, देशद्रोही हुआ। जब वो देशद्रोही हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों नहीं लगा रहे? और सबसे इंपॉर्टेंट, घुसपैठिए पकड़े भी जाते हैं तो इनका केस सालों साल चलता रहता है। एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें, एक घुसपैठिए का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करें, वो कम से कम 50 का नाम और बताएगा कि हाँ मेरे साथ ये भी आया था, वो वहां रहता, मेरे साथ एक घुसपैठिया यहां रहता, मेरे साथ वाला घुसपैठिया यहां रहता। एक एक घुसपैठिया 50-50 100-100 आदमी का नाम बताएंगे अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग इतना पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं, इतना नेताओं के गुलाम हो चुके हैं कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की मांग ही नहीं कर रहे।
जब तक भारत में पुलिस चार्टर नहीं लागू होगा कि 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो और 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाए, और जुडिशियल चार्टर नहीं लागू होगा कि 1 साल के अंदर फैसला हो जाए, तब तक घुसपैठियों को निकालना नामुमकिन है। भाई भारत में कानून का राज है ना, और कानून घटिया है, कानून घटिया है, इसलिए जो घुसपैठिए पकड़े जाते हैं वो भी निकाले नहीं जाते, वो बैठे रहते हैं इधर उधर कहीं कहीं सेंटर पड़े रहते हैं, ऊपर से खिला और रहे। अगर आप भारत में टैक्स देते हो, घुसपैठियों के लिए टैक्स देते हो, तो बहुत अच्छी बात है, दल गुलामी करो, नेताओं की गुलामी करो, नेताओं की चमचागिरी करो, नेताओं सवाल मत पूछो। लेकिन वास्तव में अगर आपको भारत से प्यार है, अपनी संस्कृति से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, आप चाहते हो 25 साल के बाद भारत हमारा ऐसे ही रहे जैसे आज है, भारत की हालत बर्बाद ना हो, भारत अफगानिस्तान जैसा ना बने, भारत पाकिस्तान जैसा ना बने, भारत की संस्कृति बची रहे, भारत के त्यौहार बचे रहे, भारतीय सभ्यता बची रहे, भारत जीवन शैली बची रहे, तो भैया दल गुलामी छोड़ दीजिए। क्योंकि आज जिन नेताओं की आप गुलामी कर रहे हैं, जिन पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, आज भी नहीं बचाने आ रहे, 25 साल बाद कहां से बचाएंगे। कानून बचाएगा, कानून, नेता आपको आपको नहीं बचा सकता। पुलिस रिफॉर्म बचाएगा आपके परिवार को, पुलिस चार्टर बचाएगा आपकी फैमिली को, जुडिशियल चार्टर बनाएगा आपकी, बचाएगा आपकी फैमिली को, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून आपकी आपके परिवार को बचाएगा, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून आपके परिवार को बचाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून आपके परिवार को बचाएगा। मेरी बात से सहमत है, इस वीडियो को अपने सांसद विधायक को भेजिए, अपने पसंदीदा नेता को भेजिए, और अपने सोशल मीडिया पर इसको जरूर शेयर करिए। जय हिंद।